नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। किसान आंदोलन जो बीते दो महीने से लगातार चढ़ रहा था और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो आंदोलन अभी तो थमने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद 28 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिससे ऐसा लगा कि गाजीपुर बॉर्डर से कम ये आंदोलन जो है समाप्त होता नजर आएगा। लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत के आंसुओं ने ऐसा सैलाब लाया कि उसके अगले ही दिन यानी 29 जनवरी को वहां पर भीड़ हो गई। महापंचायत होती है मुजफ्फरनगर में, उसके बाद महापंचायत से निकले सारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाते हैं और यहां पर डेरा बना लेते हैं। इसके बाद भीड़ देखने वाली थी, जो जन सैलाब सा वहां उमड़ता है उसको क्या ही कहा जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर अगर हम वहां की बात करें केवल, तो किसान आंदोलन जो मरता सा नजर आ रहा था उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। अब आंदोलन क्या लगता है, भविष्य क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया ऐसे में आंदोलन का जो भविष्य था वो बिल्कुल खतरे में नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके का सैलाब देखने को मिल रहा था अब वो खत्म हो गया था। लेकिन 29 तारीख को जो बाहर के किसान हैं वो फिर से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना शुरू कर रहे हैं और भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और किसान नेताओं का समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर भी, ग्राउंड जीरो पर भी जाते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि जो स्थिति वहां की बनी हुई है। अब लगातार धीमे धीमे करके किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो विपक्षी पार्टी है वो भी किसान नेताओं का सहयोग कर रहे हैं। चाहे मायावती की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करते हैं, उन्होंने तो हालचाल पूछा है राकेश टिकैत का फोन करके। बाकायदा राहुल गांधी ने समर्थन दिया है, अरविंद केजरीवाल तो पहले ही समर्थन दे चुके हैं। तो यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जो स्थिति अभी डामाडोल हो गई थी अब वो डामाडोल से धीमे धीमे पटरी पर यह आंदोलन लौट रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आधे से आधा किसान वापस जा चुके थे लेकिन अब फिर से किसानों का दोबारा से आना यहां पर शुरू हो गया, तो अब यह समय बताएगा कि भविष्य क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल, जिस तरीके से आंदोलन अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि जैसा राकेश टिकैत कहते हैं कि यह जंग है और इस जंग में हम लोग कई दफा देखते हैं, जो पुरानी जो जंगों के बारे में जब हम कहानियां सुनते हैं तो अप और डाउन हर जंग में होता है, वैसा ही कुछ यहां भी नजर आ रहा है। आपने विपक्ष का एंगल समझाने की कोशिश की, एक बात अपने दर्शकों के लिए यहां पर क्लियर कर दूं कि आंदोलन जो इससे पहले सिर्फ किसान मंच था जिसमें कहा जा रहा था कि किसानों की एकता की बात हो रही थी, जिसमें 40 संगठन जो थे एक बैनर के नीचे आकर बात कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद जैसे जैसे देश का मूड बदला वैसे वैसे इस पूरे आंदोलन में सियासी रंग चढ़ चुका है। अब आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में जब महापंचायत होती है तो वहां पर आरएलडी के जयंत चौधरी पहुंचते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पहुंचते हैं, वहां पर अन्य विपक्षी पार्टियों के भी नेता पहुंचते हैं। इसी के साथ यहां गाजीपुर बॉर्डर का हाल बताऊं तो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसका सहयोगी हूं, इस आंदोलन को मैं सहयोग कर रहा हूं। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वहां पहुंचते हैं और इसके बाद राघव चड्ढा पहुंच जाते हैं जल बोर्ड का टैंकर लेकर। वो बोलते हैं कि मैं पानी लेकर आया हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने भी मूड बना लिया है कि इस आंदोलन को हाईजैक करेंगे, इस आंदोलन की आड़ में वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकेंगे। लेकिन जैसा कि सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, सरकार टस से मस नहीं होना चाहती, सरकार के कानों में जूम ही नहीं रेंग रही, सरकार का जो पहले कथन था वही कथन अब भी है। यहां पर जो किसान है वो लगातार अपनी वही मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देश का मूड बदल जाने से, तमाम जो चीजें हैं उनके हो जाने से उनकी बातों में कोई भी फर्क नजर आता हो किसान नेताओं ने। हालांकि आपको बता दूं जो 26 जनवरी पर जो हिंसा हुई जिसके लिए इतना बवाल कटा हुआ है, किसानों ने सीधे कह दिया है, किसान नेताओं का आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी का करा धरा है, पल्ला झाड़ लिया है, पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये बीजेपी ने करवाया है। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू जो है वो दरअसल उनका था ही नहीं, वो आदमी जो है वो बीजेपी का आदमी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उसकी प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें हैं, उसकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी तस्वीरें हैं। तो ऐसे में जब हर कोई पल्ला झाड़ेगा, किसान पल्ला झाड़ रहे हैं, नेता किसान नेता पल्ला झाड़ रहे हैं, वहां दिल्ली पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, वो कह रही है इनके लोग थे, ये कह रहे थे इनके लोग थे, लेकिन ऐसे में जो मौतें होती हैं, ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर प्रदेश? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया ऐसे में अब राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकी जाएंगी, क्योंकि बीते 60 दिनों से राजनीति इसमें इतनी शामिल नहीं हो रही थी, लेकिन अब खुले तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना सहयोग दे रही हैं, किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रही हैं। तो अब जिस तरीके से आपने बताया, ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि किसान की आड़ में अब राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, क्योंकि अब हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है।
अभी संख्या कम थी लेकिन 29 जनवरी बीते दिन की बात करते हैं तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंचते हैं, अपना समर्थन देते हैं, अरविंद केजरीवाल पहले दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो 26 जनवरी को जो भी कुछ पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया, तो आखिर उसमें गलती किसकी मानी जाए? क्योंकि किसान नेता ये बोलते हैं कि पूरा कराधरा बीजेपी का है, बीजेपी ये बोलते हैं कि कराधरा किसानों का है, लेकिन जो छवि खराब हुई है उस छवि को सुधारा कैसे जाएगा अगर 300 से 400 पुलिसकर्मी कम से कम इसमें घायल हुए हैं, तो उनका इंसाफ कैसे किया जाएगा, उनको इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा? तो ये बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने की हिम्मत अभी कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें 60 दिन पहले से लगातार देख रहे थे, 26 जनवरी से पहले हम देख रहे थे, जहां पर राकेश टिकैत की एक अलग ही एटीट्यूड लेवल था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 26 जनवरी के बाद उनका जो एटीट्यूड लेवल है उसमें जरूर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जब आप इतने बड़े आंदोलन को लीड करते हैं, आपके पीछे इतना बड़ा जनसैलाब है, और अगर उस जनसैलाब में कटौती हो जाती है तो जो आंदोलन है उसकी जो डोर है वो कमजोर होती हुई दिखती है। लेकिन जब अब कल की बात करते हैं 29 तारीख की, तो लगातार आंदोलन में जो किसान है वो एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अभी ये आंदोलन खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि राकेश टिकैत भी ये बात बोल चुके हैं कि चाहे मर जाऊंगा पर गिरफ्तारी नहीं दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा पर गिरफ्तारी नहीं दूंगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि जब एक किसान नेता इतनी बड़ी बात कह रहा है कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन गिरफ्तारी नहीं दूंगा, तो अब ये जरूर समय बताएगा कि क्या जो मौजूदा स्थिति है वो क्या कुछ निकल कर सामने आती है। जी बिल्कुल, पैकअप नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, इसको समानताओं की अगर मैं बात करूं तो इसको शाहीन बाग से भी समानता इसकी जोड़ी जा सकती है। प्रद्युम्न, शाहीन बाग में क्या हुआ था कि शाहीन बाग में जिस तरीके से आंदोलन चलता रहा, शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन चला, लेकिन आखिर में जिस तरीके से लोकल लोग वहां पर पहुंच गए, उन्होंने कहा खिलाफ में आ गए, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की वजह से उनको परेशानियां हो रही है, वैसा ही कुछ अब यहां भी दिख रहा है। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से वहां के जो स्थानीय लोग थे वो पहुंचते हैं, वो वहां पर कहते हैं कि उनको इस चीज से परेशानी हो रही है, जिसके बाद झड़प की खबरें आती है और पुलिस के जवान भी वहां पर पिटते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ गाजीपुर बॉर्डर से भी तस्वीरें आई, जहां पर स्थानीय लोग पहुंच जाते हैं, वो इसका विरोध करते हैं, वो कहता है आपके आंदोलन की आड़ में हमारा जो जीवन है उस पर बहुत असर पड़ रहा है, हमें ऑफिस जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो ऐसे में ये जो पूरी जो प्रभाव है उसका पूरा उनके ऊपर भी पड़ रहा है, उनके जीवन पर पड़ रहा है। तो ये जो एंगल है जो शाहीन बाग में भी आखिर में हुआ था, जिसके बाद तस्वीरें बहुत गंदी आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद जो कुछ हो रहा था वो बहुत खराब सा नजर आ रहा था, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में जो दंगे हुए वो तो हर कोई उससे वाकिफ है ही, तो ऐसा ही कुछ यहां भी नजर आ रहा है। जो अब आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था 26 जनवरी में, उसमें हिंसा हो जाती है और उसके बाद जिस तरीके से लोकल्स की एंट्री हो जाती है, स्थानीय लोग जो है उनकी एंट्री हो जाती है और वो विरोध करते हैं इसका, वो कहते हैं कि जगह खाली करें क्योंकि इसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। हालांकि किसानों का कहना है, किसान कह रहे हैं कि ये स्थानीय लोग नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कह दिया कि जो स्थानीय लोग बनकर यहां पर आए हैं, जो दिख रहे हैं, वो दरअसल विधायक के लोग हैं, एक विधायक है जो लोकल का है, वो विधायक यहां पर 300-400 लोगों को लेकर घुस गया बीच में और वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। उन्होंने मंच से भी कहा कि अगर कोई बाहर का है तो चला जाए, क्योंकि बाहर के लोगों की यहां पर एंट्री नहीं है। उन्होंने कहा किसान से संबंधित है आप तो आप रुक सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं तो आप रुक सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर दूसरी पार्टी से है, कोई भी राजनीतिक पार्टी से है, तो वो यहां से चला जाए। इसके साथ ही गौर करने वाली एक और चीज है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इंसान सीख लेता है। राकेश टिकैत और उनका जो गुट यहां पर मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्होंने भी यही सीख लिया। पहले क्या हो रहा था, जैसे दीप सिद्धू को मंच दिया गया था, तो मंच की वजह से तस्वीरें ये भी आ रही है, लोग कह रहे हैं कि आपने मंच क्यों दिया, अगर आप उनको बीजेपी वाला बता रहे हैं तो फिर आपने मंच क्यों दिया। तो अब ऐसे में किसान नेताओं ने एक फैसला किया, किसान नेताओं ने फैसला किया है कि मंच पर केवल किसान नेता ही चढ़ सकते हैं, मंच पर बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर भाषण नहीं दे सकता। आप मंच के नीचे कुर्सी लगा सकते हैं, वहां पर खड़े होकर आप संबोधित कर सकते हैं, वहां पर खड़े होकर आप अपना संदेश दे सकते हैं, लेकिन मंच पर नहीं आ सकते। ऐसा ही कुछ हुआ जब चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचते हैं, चंद्रशेखर आजाद जब मंच पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो किसान नेता उनको रोक देते हैं, उनको कहा जाता है कि आप कुर्सी लगा लीजिए, आप कुर्सी पर खड़े होकर अपना संदेश दीजिए, लोगों को यहां पर संबोधित करिए। और चंद्रशेखर आजाद ने वही किया, उसका पालन करते हुए वो कुर्सी पर चढ़ जाते हैं और वहां से वो लोगों को संबोधित करते हैं। ऐसे मनीष सिसोदिया जब पहुंचते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आंदोलन को आंदोलन बनाए रखना और किसानों का आंदोलन जो है उसकी छवि बिल्कुल खराब ना होने देना, इसके लिए किसान नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड से तो ऐसा ही नजर आता है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार क्या कहती है,
सरकार कहती है कि किसान नेता वादा खिलाफी करते हैं, सरकार कहती है कि किसान नेता संभाल नहीं पाते, लेकिन ये चीज भी प्रद्युम्न समझने वाली है। और ठीक है कि किसान नेताओं ने पहले तो कर दिए हस्ताक्षर, किसान नेताओं ने कहा कि ट्रैक्टर रैली जो निकलेगी उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो लोग, अब कह रहे हैं कि वहां तो लाखों लोग होते हैं, हम एक एक पर नजर नहीं रख सकते। तो जब एक एक पर नजर नहीं रख सकते, यही तो दिल्ली पुलिस कह रही थी प्रद्युम्न, कि आप एक एक पर नजर नहीं रख सकते, इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रद्युम्न कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती, हिंसा हो जाती, बवाल हो जाता, तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? किसान नेता तो ये कह के पल्ला झाड़ लेते कि वहां पर लाखों लोग मौजूद थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है, दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने तो हस्ताक्षर करवाए थे आपसे, आपने बकायदा गारंटी ली थी, जवाबदेही आपकी तय होती है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, दोनों पक्ष जो है अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में नुकसान किसका? नुकसान इस देश की जनता का है। नुकसान किसका? नुकसान राजस्व का। राजस्व वो जो हम लोगों के टैक्स से बनाया जाता है। तो ऐसे में यह देखना है मुझे आता है कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, आंदोलन भटक तो नहीं गया है, और इसको किस नजर से देखा जाए। कि राकेश टिकैत पहले कह रहे थे, 29 तारीख का वाक्य आपको याद दिलाता हूं, राकेश टिकैत पहले कह रहे थे, 29 नहीं 28 की बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल, कि राकेश टिकैत पहले कहते हैं कि मैं यहां से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं मंच से ही गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन उसके बाद वो मीटिंग करते हैं आला अधिकारियों के साथ, मीटिंग से जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अब वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि गिरफ्तारी की आड़ में मुझे गिरफ्तार करके जो मेरे बाकी साथी लोग हैं, जब वो यहां से घर जाएंगे तो उनको रास्ते में उनके साथ मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं और ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इसके बाद वो रोने लगे, बात करते करते रोने लगे। रोने से आप सिर्फ रोना तक मत आकी, उनके रोने से जिस तरीके का जो करंट फैला है, जो वेस्ट यूपी में जो करंट फैला, उससे वहां अगले दिन सैलाब आ गया। उस करंट से जो सैलाब आया, वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक मरता हुआ आंदोलन पुनर्जन्म लेता है। वहां पर जो टेंट हटा दिए गए थे वो टेंट दोबारा लगाए गए, वहां पर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं जिन पर रोक लगा दी गई थी अंतरिम, वहां दोबारा शुरू हो जाती है। लंगर खत्म हो गए थे प्रद्युम्न, लेकिन लंगर एक बार फिर शुरू होते हैं। उसके साथ ही आंदोलन में तेजी की बात इससे भी समझ आती है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां होंगी वो सब इसके समर्थन में आ जाती हैं, वो सब समर्थन की बात करती है। तो इससे आंदोलन में जो बल मिला है, मूड तो हालांकि चेंज हुआ है, वो तो सब जानते हैं कि देश का मूड चेंज हुआ है। पहले जो सिंपति रेट था वो कहीं ना कहीं घट चुका है, पहले जो जन समर्थन मिल रहा था वो कहीं ना कहीं घट चुका है, लेकिन किसानों का जो मनोबल है वो अभी भी प्रबल है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, इसमें अहम ये जानना हो जाता है कि अब आगे आने वाले समय में होना क्या है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसे ही उन आंसुओं ने इस तरीके का सहारा दे दिया राकेश टिकैत जी को कि जो स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी, अब वो स्थिति धीमे धीमे संभल रही है, गाड़ी पटरी पर दोबारा लौट रही है। किसान का सैलाब फिर से आना यहाँ पर शुरू हो गया है, लंगर जो खत्म हो चुका था वो लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में क्या होना है, क्योंकि जो स्थिति पहले 26 जनवरी को खराब हो गई, जो इमेज खराब हो गई, वो तस्वीरें सबने देखी है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको आगे आंदोलन लीड करना है तो अब आने वाले समय में आप स्टेप क्या लेने वाले हैं, आप कैसे अपने संबोधन से जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे, या किसान नेता जो भी हैं वो अपने लोगों को किस तरीके समझाएंगे कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि बीते दिनों ये भी खबर सामने आती है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन आप ये सोचिए कि वो ब्लास्ट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हो सकता है कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। तो आप ये सोचिए, अगर ये चीज इसराइल दूतावास के अलावा, अगर किसान जहां आंदोलन हो रहा है उसके आसपास होता, तो कितनी जान माल का नुकसान होता, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहां पर शुरू हो जाती, किसान और सरकार के बीच एक ऐसी जंग खड़ी हो जाती जिसको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में अब ये भी कोशिशें हो रही हैं जानने की कि आखिरकार IED ब्लास्ट बताया जा रहा है, तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में इतनी सुरक्षा है वहां पर, और ऐसे में IED वहां पर कैसे पहुंच जाता है, और किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है, अगर वहां पर एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया जिसने भी ये ब्लास्ट करवाया है, तो अगर उसने किसान आंदोलन में करा दिया तो स्थिति वाकई में बड़ी भयावह हो जाएगी। आप सोच के देखिए एक बार कामेंद्र जी। बिल्कुल, आशंकाएं बहुत है, जवाब बहुत कम, सवाल कई हैं, लेकिन जवाबों का जो उसका सिलसिला है वो रुक गया है, सवाल लगातार जारी है, जवाब नहीं मिल पा रहे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ, धन्यवाद।